हम यूँ नहीं बोलते भाई हम मुसलमान हैं और मोदी के खिलाफ नहीं, हमारा जो काम था करा उसे। सुरेश के सब नेता को भी ना तो अपना फंड दिखाया और हम तो गिनवा भी सकते हैं, हमारे इसमें 9 प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस के टाइम दिए हुए। यही बोलते पब्लिक भाई मोदी ने ये बुरा करा है मुस्लिम का। और गुमान सिंह के टाइम से देख रहे होंगे आप, गुमान सिंह के साथ कैसे काम करते थे? हाँ उन्होंने तो काम किए भी है। अच्छा जो जाएगी शिलाई से कांग्रेस की। मेरा नाम घासिया, मैं अनपढ़ आदमी हूं, जानकार अनपढ़ का भी वोट है। कोई भी हार जीत के लिए शब्द के लिए होगा वो तैयार हो जाए और टीम में कॉन्टेक्ट कर ले। नहीं नहीं हमने किसी को नहीं। किससे नाराज है? सबसे। हमारी देखभाल मोदी कर रहे हैं, हमें पेंशन मिल रही है, हम 3 बुजुर्ग है, 3 बुजुर्ग को 15,300 मिलते हैं और किसानी जी हमको 12,000 मिलते हैं दोनों भाई को। जैसे कोड़ी है, कोड़ी हमारे ही नहीं, हमारे बड़ा भाई है कोड़ी। केडी सुल्तानपुरी याद है आपको, सांसद रहे 5 बार, आते थे इधर कभी मिले आप? तो साथ हमने दारू का ठीक किए नान में सर कटोज में। अच्छा वो दारू के टदरे था। हाटी मुद्दे पर कई लोग नाराज है, कह रहे हैं कि हर्षवर्धन हाटी विरोधी है। नहीं नहीं हाटी तो उन्होंने कराया कभी, ये तो 20 साल ये तुम्हारा मोदी काम तो कर रहे हैं, ये हमें तो अच्छे लगते हैं। सोच ये हमारी है कि हम किधर बिधर नहीं जाएंगे, कि जो वे उनका आपस में बीच में पंगा पड़ा है कांग्रेस भी जीत का नारा लगा है। यहाँ पे शिमला संसदीय क्षेत्र में विकास के नाम पे वोट किया जाएगा। हाटी का मुद्दा इस बार कुछ लगता है कि उछल रहा है जैसे विधानसभा में उछला था, इस बार कुछ शांत लग रहा है? दोस्तों नमस्कार, पहाड़ प्राइम पर आपका स्वागत है। समय कम बचा है, संसाधनों की हमारे पास कमी है, पहले हमने आपको बताया, वरना 1-2 महीने पहले से तैयारी करके चले जाते, चारों लोकसभा सीटों से आपको रुझान बताते, लोगों से बातचीत करते, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। NH 707 पर इस वक्त हम मौजूद है, ये मैं चाहूंगा कैमरामैन से कि NH 707 की तस्वीरें दिखाए। जब आप सिरमौरी ताल तक पहुंचेंगे तब तक आपको झकास ये रोड नजर आएगा, लगेगा कि कोई प्राकृतिक नुकसान नहीं हुआ है और बेहतरीन विकास इस पर हुआ है। ये वही NH 707 है जहां पर लैंडस्लाइड, हर बरसात में खतरनाक लैंडस्लाइड हुआ, और बीते 2 साल पहले तो एक इतना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ कि पूरा का पूरा पहाड़ खिसक गया। बहुत खबरें चली उस पर भी, नेशनल मीडिया यहाँ पहुंचा, और पिछले साल सिरमौरी ताल में बादल फटा तो वहां पर जो है एक ही परिवार के 4-5 लोगों की मौत हो गई। बहुत खतरनाक मंजर वो भी था, हम खुद मौके पर उस समय गए थे, तो विवादों में भी रहा है। और जब अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो जब आप जाएंगे सिरमौरी ताल से आगे निकलेंगे, शिलाई तक निकलेंगे, उससे आगे जाएंगे तो आपको दिखेगा मानो पहाड़ों को छलनी किया गया है। पहाड़ आप अगर प्रकृति प्रेमी है, कविताएं लिखते हैं, शेरों शायरी करते हैं, तो आपको आपके शब्दों में मैं कहूं कि पहाड़ आपको रोते हुए नजर आएंगे। तो अभी हम निकले हैं, जो है सिरमौरी ताल से ही शुरुआत करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे कि जो है क्या सोचकर वोट कर रहे हैं। सुरेश कश्यप है सांसद इस वक्त बीजेपी के, पिछली बार 3.5 लाख वोटों से जीते थे, और जो है कांग्रेस ने उम्मीदवार दिया है विनोद सुल्तानपुरी, सोलन के कसौली से विधायक हैं, पहली बार जीते हैं, उनके पिता 6 बार सांसद रहे हैं केडी सुल्तानपुरी। अब विनोद सुल्तानपुरी को मेहनत करनी पड़ रही है, अगर टक्कर देनी है, 3.5 लाख का मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, कितना कम करेंगे? इतना बड़ा नाम विनोद सुल्तानपुरी का नहीं है, पिता के दम पर नहीं जीत पाएंगे क्योंकि वो समय अब चला गया है। तो जो है 3.5 लाख वोटों से जीते थे जो सुरेश कश्यप है पिछले चुनाव में। अब देखना यह है कि क्या माहौल है सिरमौर में। फिलहाल हम शिलाई विधानसभा जा रहे हैं, इसलिए भी चुना है हमने शिलाई विधानसभा को क्योंकि बलदेव तोमर और हर्षवर्धन चौहान की टक्कर यहां रहती है। विधानसभा चुनाव में 200-300 वोटों से बलदेव तोमर हारे थे और हर्षवर्धन चौहान ने उसके बाद ज्यादा क्या कुछ काम किए हैं वो भी लोगों से ही पूछें। अक्सर क्या रहता है कि विधानसभा चुनाव में हमने जब पहाड़ की बात कार्यक्रम की थी, लोगों से बात की थी, तब हुआ ये था
कि लोग कह रहे थे कि आप बीजेपी के ही लोगों से पूछ रहे हो या कांग्रेस के ही पूछ रहे हो, लेकिन 15 दिन का समय है, शिलाई विधानसभा क्षेत्र इतना दुर्गम क्षेत्र है कि 6 महीने लग जाएंगे अगर हर गांव में हम जाएंगे। इसलिए हमें लगा कि आज यहां से जब हम निकल रहे हैं, जो मेन स्टेशन है कफोटा है, स्टोन है, सिरमोरी ताल है, और उससे आगे जो कमरऊ है, तिलोरधार है, और शिलाई तक हम जाएंगे, वहां तक लोगों से बातचीत करेंगे, पूछेंगे, जो लोग मिलेगा, रैंडम जो लोग मिलेंगे, कोई हमारी किसी से बातचीत नहीं है, किसी को बताया तक नहीं है, कई मित्र है हमारे शिलाई तक, लेकिन हमें लगा बताएंगे तो वो फिर उस हिसाब से आएंगे, तैयारी करेंगे, किसी को बताएंगे, किसी को नहीं बताया, जो मिलेगा उनसे बातचीत करेंगे, और जब बातचीत करेंगे तो शुरुआत यहाँ से करते हैं। एक बुजुर्ग जा रहे हैं आगे, आइए उन्हीं से पूछते हैं कहाँ के हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, आइए इनसे पूछते हैं। आ जाइए चाचा, जाना है कहीं, दिखाओ इनको, दिखाओ कहाँ जाना है। सिरमौर। आ जाओ ऊपर आओ बैठो। कहाँ के रहने वाले हो अंकल जी? जिला सिरमौर। जिला सिरमौर के हैं आप? हाँ। और जाना कहाँ है? जिला सिरमौर। जाना भी सिरमौर? हाँ। है। अच्छा, क्या करते हैं आप? साइकिल का काम। अच्छा, सिरमौरी ताल के रहने वाले हो? हाँ, जिला सिरमौर के। सिरमौरी ताल? हाँ हाँ हाँ, जिला सिरमौर। अभी जब पिछली बार बादल फटा था, हाँ जी, 4-5 लोग मरे थे, हाँ जी, कौन लगते थे आपके? वो चाचा जी थे हमारे ताल के। अच्छा। बिम्बर था ये, वो दब गए ना ताल पर, वो कीड़ की टूटा है, पानी भर गया, वो दब गया इतने। तो अब कहाँ है वो काम हुआ? किया सरकार ने कुछ काम किया उनका? ना, नहीं किया। क्यों पता नहीं, कुछ नहीं किया ना। तो चुनाव का क्या माहौल है, कौन जीत रहा है इस बार? मोदी जीतेगा। मोदी? मोदी। हाँ। अच्छा, ठीक है, हाँ। चलो चलते हैं। चलो, अक्सर चर्चाओं में रहती है क्योंकि हर बार यहाँ पर मलबा गिरता है, लैंडस्लाइड होता है, और कहते हैं कि बहुत नाजुक मिट्टी, नाजुक पहाड़ है और गिर जाते हैं। ये सामने देखिए किस तरीके से स्लाइड होते हैं पहाड़, जितना गिरता है अगली बार और फिर नीचे आ जाता है। क्या नाम है आपका? सलेंदर। तो यहाँ पे तो बादल फटा था पिछली बार, तो उसके बाद हुआ कुछ काम वहाँ पर? काम तो ये हुआ नहीं, जैसी भी जैसी लगी बस। जो 4-5 लोग मरे थे वो आपके कोई लगते थे? ना, आपके गांव के ही थे। अच्छा, तो और बताइए, हम तो चुनाव को लेकर घूम रहे हैं, क्या माहौल है, कितना काम किया, कौन जीत रहा है, क्या लगता है आपको? माहौल होगा क्या, आइडिया लगता है। कौन है अभी सांसद आपका? यहाँ सुखविंदर सुक्कू है जी। अच्छा, तो जो सुरेश कश्यप है बीजेपी के सांसद जी, जी, कांग्रेस में खड़े किए हैं सुल्तानपुरी, विनोद सुल्तानपुरी जी। तो क्या लगता है, चुनाव में कुछ सोचते हैं आप कि हमारे जीतते हैं, या आप जाके वोट कर देते हैं? हम तो खाली वोट करते हैं, वोट डाल देते हैं जहां मन करता है, ये कोई नहीं, बस पार्टी को देना है, उसको देना, अपनी मर्जी से वोट डालते हैं। इस बार क्या माहौल लग रहा है, कौन आ रहा है इस बार? कोई पता नहीं है ना, मोदी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, तो कब से कर रहे हैं यहाँ काम? यहाँ हो गए जी 2.5 साल हो गए। ठेकेदार के पास हो? हाँ जी। तो ये कच्ची डांग हर बार गिर जाती है, क्या इलाज निकाला इसका? इसका कोई इलाज नहीं निकला अभी तक, इसका कोई पुल बता रहे थे पुल बनेगा, नहीं बना नहीं। अच्छा, तो गिरता क्यों है हर साल, ये कैसा पहाड़ है? ये यूँ आता है, जब ऊपर से नदी से पानी आता है पुल भर के बरसात, तो जब इसमें टक्कर लगती है पहाड़ में आकर, तो कच्चा, तो फिर नीचे से मट्टी फिसलती है। तो दीवार, ये दीवारें भी तो देते हैं ये कंपनी वाले, नीचे आ जाएगा जो कच्चा पहाड़ है। तो कंपनी वाला दीवार दे रहे, पर इसमें ज़्यादा खर्चा होता है, खर्चे की वजह से नहीं कर रहे। तो आप लोगों का अब क्या काम रह गया यहाँ पर, क्या कर रहे हैं आप? भाई यही पैराफिट लगा रहे थे। अच्छा, पैराफिट लग रहे हैं। सिरमौरी ताल के आप? नहीं, मैं राजमंड्री के पास। तो मोदी आ रहा है दोबारा की क्या, क्या बता सकते हैं आप, क्या चाहते हैं? हमारे लिए तो मोदी ठीक है, चल रहा। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल गनी। अब्दुल गनी। तो कहते तो हैं कि मोदी जो है बीजेपी मुस्लिम विरोधी है,
नहीं हम नहीं ये बात बोल सकते, कभी नहीं लगा नहीं हमारे को तो लगा नहीं, हमारा तो जो काम था करा उसने, हम यूँ नहीं बोलते भाई हम मुसलमान हैं और मोदी के खिलाफ है, नहीं हमारा जो काम था करा उसने, मना नहीं करते। लॉकडाउन में जब लॉकडाउन लग गया है ठीक है जी, तो लोग घर घर बैठा दिए ठीक है जी, तो जब घर घर बैठ गए तो मोदी जी ने जो लोग गरीब थे उसने 50 किलो चोर और आटे का कट्टा, मतलब कोई पैसा नहीं था कोई टका नहीं था, फ्री देता था, तो इसमें मोदी ने क्या बुरा करा है? करा तो नहीं है, यहीं बोल दे पब्लिक के भाई मोदी ने ये बुरा करा है मुस्लिम का, तो हम मान लेते हैं। जो कानून है कानून का जरिए चलता हो चलेगा या नहीं चलेगा, वो तो गलत तो नहीं कर रहा, कानून का जरिए चल रहा, तो हम क्या कह सकते हैं, हमारी बुराई तो आई नहीं ना। ये बहुत बड़ी बात आपने कही, पूरा देश सुनेगा इस बात को, तो हम ये बुरी बात तो बोल नहीं रहे। हाँ बुरा बोलता था तो मान देते भाई बुरा, मोदी बुरा नहीं होगा, मोदी के जो चमचम वो बुरे होंगे, लेकिन मोदी बुरा नहीं। बहुत बड़ी बात कही आप, हम क्यों बोल रहे हैं मोदी के लिए मोदी बुरा, मोदी अच्छा है हमारे लिए। तो बाकी हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा, विधायक ने क्या काम किया कुछ अभी तक? तो अभी तो आया नहीं जी हर्ष ने, अभी तक हाटी है आप भी हाटी मुद्दे पे, तो हाटी क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर अभी तक? पता नहीं सर ये कब, पता ही नहीं लग रहा इस बार कुछ पता नहीं लग रहा, पता नहीं लग रहा। ठीक है जी, करो आप लोग काम है, थैंक यू। तो पैसे बटे थे, इस बार कोई पैसे नहीं देगा, इस बार लीड जाएगी कांग्रेस की 5000। कोई भी संस्थान बंद नहीं हुआ, ये सब फ्रॉड है और सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लीड जाएगी सिलाई से कांग्रेस की, इसके ऊपर हम शर्त लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। पता बता दीजिए, कमेंट करके लोग बताएंगे, शर्त लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अपना नाम पता बताइए। अच्छा नाम बता देंगे, नाम अच्छा, देवेंद्र सिंह ग्राम बमराट और पोस्ट ऑफिस बकरास तहसील शिकायत जिला सिरमौर। ठीक है, कोई भी हार जीत के लिए शर्त के लिए होगा वो तैयार हो जाए और टीमी में कॉन्टेक्ट कर ले। मेरा नाम घासिया घासीराम। कहाँ के रहने वाले हैं? क्यों पत्रकार हैं हम, चुनाव को लेकर आए हैं। मैं अनपढ़ आदमी, मैं जानदार। अनपढ़ का भी वोट है, वोट सबका है, कोई बात नहीं, वोट वाला तो ठीक है, मर क्या लग है, किसको देना वोट तो कभी बताना नहीं किसको देना, नहीं तो बोलो वो कानून ना, ये तो कानून नहीं, आज तक हो है ये? कभी नहीं बोलते, आज तक हुआ ये? कभी नहीं, बात तो सुन, आज तक हुआ कहीं? हमने वोट दे रखे, हमने सारे दे रखे, मुक्त मतदान है, हम तो आपसे ये पूछ ही नहीं रहे कि वोट किसको देना है, हम तो ये पूछ रहे कि काम कैसा किया, देना ही नहीं हमने किसी को, देना किससे नाराज है? सबसे, उमर को किया, गरीब के लिए किया, ज्यादा जीता से, हां जीता से, हां बीजेपी से, कांग्रेस से भी नाराज है, तब पूछो इसको, इसको पूछो, इसको हर्ष ने कैसा काम किया? हर्ष ने तो बढ़िया किया, हाटी का मुद्दा तो हुआ नहीं सॉल्व, चलो हम क्या करो, हाटी का मुद्दा नहीं, जाम का कोई नहीं करता, हम कहीं पता सब ये बंद, हां किसी का नहीं करते, हां कुछ भी नहीं। जब वोट देना हो फोटो के, एक ही फोटो की कीमत पता क्या थोड़ी है, एक ही फोटो की कीमत है थोड़ी, जुने ता तो कुछ सोको तुम्हें जे कार आओ करे कानर एक करे ए जो नीचे मेरा अपने टोल सड़ने ने तय पूरे रोले तबे तो मजे करो से, जब लोग कुछ ना आ रहे नाम हो रहा, जब जन लोग है से बोलोगे जे अमर काल होनो मेरा आपकी सड़नो आपकी है जो करनो काफी देर हम रुके, खाना खाया, तकरीबन 20 लोगों से बात की, लेकिन किसी के मुंह में दही जमी हुई, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, तो बहुत दिक्कतें हैं पहाड़ पे, लोग कुछ बोलने से बचते हैं, लेकिन अब देखते ही है कि क्या माहौल बनता है, आगे किसी से पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पर लोग कुछ कहने से बचते हैं, बचते क्या कुछ कहते नहीं है, पता नहीं क्या मामला है, कुछ पूछो तो कहते हैं कि वह देखते हैं हम क्या बोले, कौन आएगा कौन नहीं, कौन नहीं, तो आगे चलते हैं, अब क्या करें, हमें तो अपना काम करना है, अब वो जो है बातचीत करेंगे आगे लोगों से। सतौन में आए कुछ नहीं, किसी ने कहा, ज़्यादातर कुछ लोगों से बातचीत हुई, वो आपको दिखाएंगे,
बाकी आगे चलते हैं। पीछे देख और यहाँ अगर गाड़ी आ गई तो कहाँ जाना है। सतौन से होते हुए हम शिलाई जा रहे हैं। सतौन में कई लोगों से बातचीत की, लोग कुछ कहने से बचते हैं। कहना तो युवाओं को चाहिए जो आज की तारीख में युवा है, फर्स्ट वोटर है और देख रहे हैं कि कितना काम हुआ क्या नहीं हुआ, अपनी आवाज को उठाना चाहिए। लेकिन युवा चाचा जी देखे हमने नीचे नहीं, हमने हमें क्या लेना, हमने तो वोट देना है, जाना है, वो करना है, सो करना है। हमने कहा काम हुए तो बताओ, नहीं हुए तो ना बताओ। और अभी अंकल मिले यहाँ पर, अभी जा रहे थे, हम रुके कमरों में हम इस वक्त है। और जब यहाँ आए तो हमने कहा कि अंकल से बातचीत करना चाहा, हमने कहा चुनाव के बारे में कुछ कहेंगे, तो जरूर कहा कि जरूर कहेंगे, तो अच्छा लगा। खुद भी इतनी उनकी उम्र है, क्या नाम है अंकल जी? अमर सिंह सर। अमर सिंह, कितनी उम्र हो, कितनी उम्र हो? मेरी 72 साल सर। तो 72 साल इनकी उम्र है। और कितने आपने चुनाव देखे होंगे? बहुत ज्यादा। तो ये बताइए कि इस बार क्या लग रहा है, क्या माहौल है, क्या तीसरी बार लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बन रहे हैं? देखो जी, नरेंद्र मोदी जो है इस टाइम हमारे भगवान है, जो बुजुर्गों को दे रहे हैं, हमारे काम कर रहे हैं, उसके लिए हम बड़े खुश हैं। अब बुजुर्ग के लिए देखो कि नौजवान जो है वो बुजुर्ग की देखभाल नहीं करते उतनी जितनी मोदी कर रहे हैं, तो हमारी देखभाल मोदी कर रहे हैं। हमें पेंशन मिल रही है, हम तीन बुजुर्ग है, तीन बुजुर्ग को 15,300 मिलते हैं 3 महीने में, और किसान निधि हमको 12,000 मिलते हैं दोनों भाई को। तो हम लोग जो है, हम तो मोदी को भगवान मानते हैं और मोदी को वोट डालेंगे और मोदी हमारा भगवान है। तो इसके अलावा कुछ लोग हमें स्टोन में मिले, वो कह रहे हैं कि इस बार जो लीड है, कुछ कांग्रेस को बता रहे हैं, कुछ बीजेपी को बता रहे हैं। हर्षवर्धन तो खुद लगता है 200-250 वोटों से जीते, तो क्या लगता है इधर शिलाई में कितनी लीड देंगे? देखिए, मैं एक बुजुर्ग आदमी हूँ, इस खानदान ने जो है हमारे साथ बहुत धोखा किया, शिलाई कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ, आपकी भी, उमान सिंह से लेकर आप, उमान सिंह लेकर आऊँ, शिलाई कॉन्स्टिट्यूंसी आज भोजवीसी में था, किलोर से लेकर, लेकिन जब ये हाटी होना था तो उन्होंने नहीं होने दिया। फिर बलदेव तोमर, जयराम ठाकुर जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे जो वहाँ के मतलब अमित शाह जी और हमारे क्या नाम द्रौपदी मुर्मू, तो जब यहाँ से संघर्ष किया तो उन्होंने हमारा साथ दिया। जब हमारा साथ दिया तो इन्होंने जो है औरों को भड़का दी। जैसे कोड़ी है, कोड़ी हमारे इन्हीं के हमारे बड़ा भाई है, कोड़ी बहुत बड़ा जट्ठा है, लेकिन इन्होंने कोड़ी भ्याजा, ये कोड़ी बन गए, इतिहास जो है हमारा पुराना। तो ये जब कोड़ी बने तो कोड़ी बन के इन्होंने पहले इतिहास हमारे कुल भ्याजा, उसके बाद जब इनको मिला, गवर्नमेंट ने इनको दिया, इनको खेती दो, इनको इनको जमीन दो, आरक्षण दो, आरक्षण दो इनको, तो राजपूत ने किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी ने नहीं आवाज उठाई। आज जब हमारे साथ हमको मिल रहा है तो आज इसको कोर्ट में लटका रहे, दिल्ली से हो गया ये। अब कोई कहते आप जैसे पढ़े लिखे, मैं बहुत बहुत शुक्रिया हूँ आपका समझदाता का, जो आप हमारे हम गरीब जैसे तक आए आप, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और आपसे बहुत ही उम्मीद रखता हूँ कि आप हमें ये दर्जा दिला देंगे पढ़े लिखे लोग। अच्छा ये बताइए, तो हर्षवर्धन चौहान को तो कहते हैं कि नहीं हम चाहते हैं हाटी हो, मंच से कभी नहीं, मंच से तो बोलने दो, मत से मंच, मंच से बोलते, मन से नहीं बोलते, क्योंकि मन से ये चाहते थे शह लेना अपने आप को, शह मेरे को मिले। अब जब आप काम करेंगे तो शह आपको मिलेगा, मेरे को क्यों मिलेगा? अच्छा आपकी 72 साल उम्र है अंकल जी, ये बताइए केडी सुल्तानपुरी याद है आपको? सांसद रहे 5 बार, आते थे इधर कभी मिले आप? नहीं, इलेक्शन के टाइम करते थे, इंदिरा गांधी को वोट देना, मेरे को देना। उसके बाद हमने दूसरे साथ हमने दारू का टीवी रखी नहाड़ में सर्कट हाउस में, वो दारू का टीवी था और पीछे सोया, जब टीवी चले तो पीछे सोया होता था। कांग्रेस जो है ना, ये इनमें घुटा हुआ है मुसलमानी गया खून, जो हिंदू तबके का होगा और असली अपने इसका होगा वो नहीं चाहेगा, क्योंकि इनके हालात देखो, इंदिरा गांधी मुसलमान के गई, कांग्रेस ही बोलते नहीं मुसलमान था ही नहीं, वो तो पंडित है, पंडित के वो है, ऐसा कुछ नहीं इनके आगे। जो भी कहे राहुल गांधी वो आगे उनकी औलाद है, तो मुसलमान और हम हिंदू भाई भाई है, चलो कोई नहीं उसमें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चलो इस पे तो। लेकिन इतना बताइए कि 15 महीने आपके तो अब विधानसभा के मंत्री हैं,
क्या कुछ काम हुआ या संस्थान जो बंद हुए थे कुछ खुले वापस? काम ये हुआ कि जो संस्थान खोले थे वो बंद कर दिए, वो संस्थान बंद कर दिए इन्होंने। और अगर यहाँ काम के लिए बोल रहे तो कुमरूवाड़ा से तो सख्त निराज है कि कोई भी जाएगा कुमरूवाड़ा, कोई भी यहाँ इधर का जाएगा, अरे तुम तो रारे से मेरे को, तुम तो रारे से मेरे को, इतनी में ये भावना नहीं होनी चाहिए। अच्छे विचार है, मीनू के तो उसको भी निकल जाए, बैठो, लेकिन ये भावना नहीं होनी चाहिए। बैठो तो बैठ जाओ और बैठिए, बातें सुनिए, देखिए 72 साल की उम्र के बुजुर्ग कुछ कह रहे हैं। और हमारे जो है जयराम ठाकुर आए, पहले बेचारे धूमल जी थे, धूमल जी ने भी यहाँ पर स्टू दिया। जब जयराम ठाकुर आया तो बड़ा मुद्दा किया हाटी का उन्होंने। एक दूसरा जो है यहाँ 60 साल से हमारी मांग थी ब्लॉक की, बलदेव तोमर, और उन्होंने जो है दिल्ली से ही भी करवा दिया 60 साल की मांग। तीसरा देखो हमारा नजदीक एसडीएम कोर्ट इस सरकार में हुआ, तो इस सरकार ने कि अभी सड़कें लगाई। और मेरे टाइम पे प्रधान होता था, हम बोलते पेंशन लगा, तो कहता था मरा हुआ है कोई गांव में, अगर मर गया कोई तब पेंशन लगेगी। मुझे तो आज बहुत खुशी जो आप लोग हम जैसे आज जोड़ता हूं, हम तो मैं तो मैं लोग हमारे तक पहुंचे। मैं तो खुद भी ये कहता हूं वीडियो के माध्यम से कि मैं भी आपके ही आज बोझ से हूं, तो हम तो इसीलिए आए हैं पेट्रोल खर्च करके तेल खर्च करके आज छिलाई में ही रुकना है, कि क्योंकि आप बड़े पत्रकार तो आते नहीं दिल्ली वाले, तो हम आए हैं तो कम से कम लोग अपनी बात रखें, कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ। वोट नहीं पूछ रहे हम कि किसको देना है, वो तो गुप्त मतदान है, वोट तो जिसको मर्जी दो। लेकिन दुख इस बात का होता है कि आजकल के लोग, युवा आजकल के, कुछ नहीं बस जाना है वोट देना है, बाकी कोई मतलब नहीं। क्या ये चीज होनी चाहिए। देखो सबसे पहली बात है कि मैं 9 स्टेट हिंदुस्तान में घूमी, और जब मैंने ये अपना एरिया देखा आदिवासी बहुत पीछे, लोग बहुत पीछे है। अगर हमारा हटी होता है तो हमारे, अगर पहले हो जाता ठाकुर साहब का टाइम, तो आज हमारे कम से कम हजारों अफसर रिटायर होते। और आप लोगों को इतनी कष्ट भी नहीं सहन करना पड़ता जितना का किया आप लोगों ने। विकास नगर तक पैदल जाते थे, पैदल जाते थे, कोटा तक पैदल जाते, सारा पैदल। लेकिन उस टाइम गुलाब सिंह ने बोला कि आप ही करवा लो कि बोलो माता मुंह कौन पूछता, ये भाषा है। तो आप बताइए आपका क्या नाम है? रतन सिंह। आप इनकी बातों से सहमत है? तो यहाँ के लोग मोदी के काम को देख के वोट कर रहे हैं कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार की काम को देख के, हर्षवर्धन चौहान के काम को देख के? हर्षवर्धन चौहान के काम, कैसा काम काज रहा उनका 15 महीने? बहुत बढ़िया काम है उनका, तो पहले से बहुत अच्छा काम है। लोग कुछ हमें अभी मिले नीचे, बातचीत कर रहे थे हम, हाटी मुद्दे पर कई लोग नाराज है, कह रहे हैं कि हर्षवर्धन हाटी विरोधी है। नहीं नहीं, हाटी तो उन्होंने कराया, कभी जब उसमें ऑब्जेक्शन था उन्होंने कराया। तो इस बार बैठिए, नीचे बैठ जाइए, आ जाइए, आइए भाई जी, आप भी थोड़ा ऊपर से नहीं नीचे से लेना। तो 15 महीने के कामकाज को देख के वोट करेंगे कांग्रेस सरकार की? हाँ, कांग्रेस को, कांग्रेस को करेंगे वोट। तो बता रहे थे कुछ लोग कि जो उनके पिता है जो कैंडिडेट दिए कांग्रेस ने, केडी सुल्तानपुरी आते ही नहीं थे क्षेत्र में। सुल्तानपुरी तो उम्र काफी है, आपने तो देखा होगा। आते थे। अच्छा। आते क्यों नहीं थे? वो आते थे, जो इनका फंड बनता था ले आते थे, वो तो सरकार के द्वारा बंटना है ना, वो अकेला थोड़ी आना था ले चे। और सुरेश कश्यप के कामकाज को कैसे देखते हैं? सुरेश कश्यप ने तो कभी ना तो अपना फंड दिखाया, और हम तो गिनवा भी सकते, हमारे इसमें 9 प्राइमरी स्कूल कांग्रेस के टाइम दिए हुए, एक पंचायत में 9 प्राइमरी स्कूल, और अब हमें जो इनका विकास का तो कोई आज तक एक ये नहीं लगा, रोड नहीं। क्या माहौल है, जो लीड है यहाँ से जाएगी कांग्रेस की? पक्का जाएगी कांग्रेस की लीड। तो हर्षवर्धन तो खुद 250 वोटों से जीते कांग्रेस, वो हट्टी का मुद्दा बनाया था। अच्छा, उस समय। हाँ, हट्टी का मुद्दा, यार हट्टी का मुद्दा हम देख रहे हैं बिल्कुल शांत है, हट्टी का मुद्दा है ही नहीं, हट्टी कहाँ है, तो बना ही नहीं था बीजेपी वाले ने बनाया। तो हमें कई लोग मिले बीजेपी के भी, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो राजपूत लोग हैं उन्हें अब इतना उनका माइंड वॉश कर दिया गया है कि वो हाटी के फायदे भी अब नहीं देख रहे हैं। हाटी आप लोग क्या चाहते हैं, हाटी हो? हाटी हाटी का दर्जा ये है, अगर जनजाति होता तो हाटी का दर्जा तो भी, अगर पूरा क्षेत्र हो, पूरा क्षेत्र जैसा जौनसार है, जौनसार ऐसा होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि आगे आगे धीरे धीरे होगा, पहले अभी होगा धीरे धीरे, जो चीज छूट जाती है, अगर रोड बनने को छूट जाती है, हो रह जाती है, बन जाएगी, नहीं बनेगी। जब जो स्कीम सरकार की होती है, अगर राम मंदिर छोड़ देते
तो धीरे धीरे बन जाता। बना तो धीरे ही धीरे, पिछले कब से बन रहा है? कब से बन रहा, तो इसमें प्रयास तो लगू रहा। इसमें क्या प्रयास रहा? कुछ नहीं, प्रयास तो लगा हुआ रहा। जो इंसान इसमें कहने अपनी जान हाजिर भी की। तो मतलब ये आपका कहने का कि लीड कांग्रेस की है सिलाई? हाँ, सिलाई से कांग्रेस की। और पूरे बाकी चार सीटों पे बाकी जगह? बाकी जगह तो भाई हमें पता नहीं है, पर यहाँ से तो लीड कांग्रेस की। तो सुल्तानपुरी जीत जाएंगे फिर? हमें उम्मीद है भाई जीतेंगे, जीतेंगे, पक्का ही जीतेंगे। सुल्तानपुर आ गए इधर प्रचार करने? अभी तक आए? आ गए प्रचार करने भी, आ गए, अब भी आ रहे, कल भी आएंगे, फिर प्रचार आगे बात करेंगे। और कुछ क्या कहना चाहेंगे विकास को लेकर? यहाँ क्या क्या मुद्दे हैं आप लोगों? देखो यहाँ तो विकास जो 75 साल से विकास हुआ है वो कांग्रेस का हुआ है। कौन सा? अब जो कोरोना था, ये इस कोरोना में हमारे इंडिया के अंदर कितने मृत्यु हुए? बहुत ज्यादा, हजारों लोग मरे। तो गिनती है नहीं कहीं, इसका रिकॉर्ड भी नहीं है। अगर मैं अपना शुभ नाम बताऊंगा कि मैं फलाना आदमी और मैं मर जाऊं, क्या मेरा कहीं रिकॉर्ड तो होगा भी मर गया ये? कौन सा मरा है, क्या नाम था इसका जो मरा है कोरोना, इनका नाम क्या था? सरकार कह रही है कि हमने तो फ्री में वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन का कहां से आई थी, कौन सी फैक्ट्री हमारे इसमें वैक्सीन की, बताइए जरा। कुछ नहीं है, ये डोंग रचाएगा, पब्लिक के साथ गुमराह किया। जो बच्चा पांचवी में दाखिल करना था वो 8 साल में करना पड़ा, 3-3 साल का गैप कौन मानते हैं? कोरोना था क्या? कोरोना था, अभी अटैक पड़े आदमियों को इन वैक्सीनों से हो रहे, क्यों हो रहे इतने अटैक? लोगों ने देखा ही नहीं, कुछ भी सोचा ही नहीं इसके बारे में, कुछ भी। और 60 साल वाले के लिए बोले इंजेक्शन लगने, अब दे रखे सरकारों ने, सेंटर की स्कीम है ये, 60 साल में क्या जरूरत है इंजेक्शन? नए में लगाना जिनकी उम्र ज्यादा है, बुजुर्गो में क्यों लगा रहे? तो जाना ही, सब निकलना है। ये कि सरकार अपनी पेंशन बचाने के लिए भी 60 साल के बाद पेंशन ना देनी पड़े, 1 साल तक का गैप रहेगा बुजुर्गों में, 1 साल में मर जाएंगे सारे। ये बताइए कि एक और लोग, हम तो आ रहे हैं बातें करते हुए सुतौन से लेके लोगों से, आपके साथ जो भी आते हैं हम बोलते, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत से संस्थान ब्लॉक आते ही कांग्रेस ने बंद किए, और अब जो कांग्रेस के नेता है स्थानीय नेता, कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है उन संस्थानों को खोलने की। जैसे कुछ अभी गिनवाया कमरों में कुछ लोगों ने कि ब्लॉक दिया और कई संस्थान तो इन्होंने के बीजेपी वाले ने माना। पहले प्राइमरी स्कूल हर गांव में हर क्षेत्र में थे, सारे बंद करवा रखे इन्होंने, प्राइवेट दुकानें खोल रखी बीजेपी वाले ने। तो जो प्राइवेट दुकानें खोल रखी, क्या इसमें कितने बच्चे सेलेक्ट हुए, कितने कामयाब हुए, क्या बच्चे के भविष्य को नहीं देखा इन्होंने? अगर कांग्रेस सरकार इतनी गई गुजरी होती तो हिंदुस्तान को आजाद किसने करवाया? बीजेपी दिखाई दिखा गई उनको, जिन्होंने तो अपने खून की नदियां भी आई उनको तो दिखाई नहीं किसी ने, ना किसी को सुना। आप खुद भी अपने आप को ये बनते भी हम भगवान है, भगत है, अगर भगवान के भगत है तो जब कोरोना आया था टलियां बजानी चाहिए। अच्छा ये बताइए टोपी का क्या राज है यहाँ पर? बताते हैं कांग्रेस वाले ऐसे पहनते हैं और बीजेपी वाले लाल पहनते हैं। वो इनकी तो लाल झंडी खतरे की निशानी, हमें हरे झंडी और ठंडे शांति से। तो इतना बढ़िया आप बता रहे हैं, इतनी बढ़िया बातें कह रहे हैं, कोई कार्यकर्ता रहे हैं, पद रहा है कुछ कांग्रेस का आज तक हमारे पास? हम तो पंचायत प्रधान रहे, हम पंचायत प्रधान रहे और कांग्रेस से जुड़े हैं बहुत पहले से, बहुत पहले से बुजुर्गों से, कुमान सिंह के टाइम से। हाँ जी, कुमान सिंह से याद आया, कमरों में अभी एक व्यक्ति कह रहे थे कि कुमान सिंह चाहते तो हार्टी उस समय हो जाता, लेकिन गुमान सिंह ने कभी चाहा ही नहीं। कौन चाहता अपने इसके लिए नहीं होना चाहिए गुमान सिंह का? आप ये बताइए मेरे को कि सेंटर की स्कीम गुमान सिंह के हाथ में थी? उस समय तो सेंटर में भी कांग्रेस थी, सेंटर में कांग्रेस थी, अगर सेंटर से हो जाता तो गुमान सिंह कौन था रोकने में, रोक देता? ये तो फैलाता है ना। वो कह रहे हैं कि जैसे बलदेव तोमर ने जयराम को लेकर, मुख्यमंत्री को लेकर सेंटर में गए, वहां पर उन्होंने प्रेशर डाला, वैसे गुमान सिंह उस समय कर देते तब तो रोड सड़कें इतने मकान इतना विकास भी नहीं हुआ था जैसे जौनसार में हुआ उस समय। जब गुमान ये बलदेव तोमर ने इतना प्रेशर डाला तो कहीं जेब में रखा हुआ है कहां है वो तो कहीं तो होना चाहिए, दिखना चाहिए। कांग्रेस ने लटका दिया। कैसा लटकाया कांग्रेस? हर्षवर्धन ने पैसे दिए SC वालों को और केस करवाया। हर्षवर्धन के पास ना, इसके पास कौन सा प्रूफ है इनके पास? हर्षवर्धन ने पैसे दिए, केस लटका दिया, वो तो कोर्ट जा रहे हो तो कोर्ट का मैटर है,
कोर्ट में केस तो पहले ही था लगा हुआ एसी का। अब ओबीसी ने भी कर दिया है सुना हमने, ओबीसी ने भी याचिका, ओबीसी सारे तो भी तो कांग्रेस में जा रहे जो भी उन्होंने नाम बदनाम किए। तो एससी के जो वोटर है इस बार फिर केडी सुल्तानपुरी के साथ है जो पहले बीजेपी के साथ वोट, हाँ जी नाराजगी खूब अच्छी तरह इन्होंने गुमराह किया पब्लिक से। ठीक है अंकल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलते हैं अब, नहीं शिलाई पहुंचना है, शिलाई तक लोगों से चलते फिरते ऐसे ही हम बातचीत कर रहे हैं। क्या माहौल है चुनाव का इस बार? चुनाव का ठीक है महाराज, ठीक है। हाटी का आपने पहना है, हाटी का तो हाटी तो हुआ नहीं अभी तक है। हाँ ये तो बहुत पहले का बने हुए है। कितने साल पुराना है? हाँ ये तो बहुत पुराना है, ये तो 20 साल पुराना होगा। तो प्रधानमंत्री का दोबारा चुनाव हो रहे हैं नरेंद्र मोदी, क्या सोच रहे हैं आप दिमाग में, कौन कैसा काम कर रहा है? हाँ ये तो हमारा मोदी काम तो कर रहे हैं, ये हमें तो अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, हमारे गांव में ज़्यादा हम बिल्ला ही जाएगा कोई कांग्रेस। और हर्षवर्धन कैसा काम कर रहे हैं आप? हाँ वो भी ठीक कर रहे हैं पर उनके वो तो पीछे रह गए। अच्छा हाँ, पीछे रह गए। और गुमान सिंह के टाइम से देख रहे होंगे आप, गुमान सिंह कैसा कैसे काम करते थे? हाँ उन्होंने तो काम किए भी है। अच्छा हाँ ये तो 2-3 बार बने थे। और केडी सुल्तानपुरी हाँ उनका नाम सुना आपने? हाँ सुना तो, वो भी सांसद रहे यहाँ से। हाँ वो भी रहे, वो भी रहे। ठीक है नमस्कार जी, आपका क्या नाम? मुंडीराम। कहाँ के रहने वाले? मलदुआ। शिलाई के दौरे पर हैं, सोतौन से चले शिलाई के लिए, रास्ते में लोग मिल रहे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, यही पूछ रहे हैं कि मोदी के नाम पर इस बार वोट करेंगे 405 कि सुक्खू सरकार के कि हर्षवर्धन चौहान के? तो आपने कहा 405, तो अभी कई लोगों से हमने बात की, हिमाचल में 4 में 4। अभी लिख लो क्या नाम है आपका? सुंदर सिंह। कहाँ के रहने वाले? दुबालो। हिमाचल में 4 की 4? 4 की 4, 101% इसमें कोई शक नहीं है। तो जो लोग कह रहे हैं कि हर्षवर्धन के नाम पर यहाँ पर लीड मिलेगी, अगर लीड गई ना शिलाई से इनाम दे दूंगा आपको। ऐसा नहीं कि हम हमारी कोई उनसे मतलब 150 वोट की लीड रही, ये भी थोड़ा आटी वाला गड़बड़ हुआ कुछ अपनों अपने हमारे बीजेपी ने हराया बलदेव को। मोदी के टाइम कम से कम 10,000 लीड शिलाई से। तो 15 महीने के कार्यकाल को देखे हम कांग्रेस के, हर्षवर्धन ने क्या कुछ अभी तक बस लोगों को टेंडर तो दिए, दिवाली दूल्हे लिपा रहे हैं अपने बंदे को, सामूहिक काम 0। ये बात आप लोग की कहनी है, आपकी कहना, कहने का मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ कि राजपूत समाज चाहे कांग्रेस समर्थक है वो भी चाहते हैं कि हाटी हो लेकिन हर्षवर्धन चौहान बदले की भावना से काम ना करें, इसलिए डरते हैं। डरते हिमाचल में 4 में 4 ओवरऑल 405। मैं सुंदर सिंह फ्रॉम दुबई। ऐसा नहीं है कि मेरा एक बेटा इंजीनियर है भाई, एक टीचर है, एक IPS में रजीपुरी फैमिली को ऐसी होनी। पर्दाने के टाइम मुझे भी 2,10,000 का ऑफर आया था, मैंने कहा हम बिकते नहीं। मेरा जीवराम है, जीवराम। कहाँ के रहने वाले? मैं पंता। पंता, तो क्या सोच के इस बार वोट करोगे? आपने तो कई नेता देख लिए, क्या सोच के वोट करोगे? मोदी का काम, हर्ष का काम, कांग्रेस का कि बीजेपी का काम? सोच ये हमारी ये है कि हम किचर बिचर नहीं जाएंगे, बीघा नहीं सुनने पर नहीं जाएंगे, समझा ना जी। एक मोदी जी को उधार कौन देगा? मोदी जी को क्या? मोदी जी को जो उधार है जिसने पेंशन तय कांग्रेस की देने आगे, और जब बोलो तो सब चीज बोलो, एक ही नहीं बोलो सारी चीज बढ़ो। जब वो बोले तो मोदी ने बढ़ा दी बहुत हमारे बुजुर्ग के लिए पेंशन, उसके हम गुणगात हैं। पर एक चीज है ना जी कि ऐसे नहीं हो गए हमारा मोदी मोदी को हम वोट देंगे, हम इसकी तारीफ करेंगे, और इसमें कुछ और चीज है क्या ऐसी है कि जिंदा हमारा कुछ मन नहीं मानता,
कि जो मैं उनका आपस में बीच में पांगा पड़ा है, कांग्रेस भी जीत का नारा लगा है, आप अपने देख रहे सब आ मैं अपने जब मैं अपने, तो ये बोल रहे लोग के मोदी जी तो बढ़िया है पर जिसके चमचे वो खराब है, कांग्रेस के चमचे खराब जी राहुल गांधी बस इतना बढ़िया है जो नहीं ना, तो आटी के आटी को कहा सुन जो आटी बारे में अभी समय आटी के बारे में था कि बीच में होगा फैसला हुआ नहीं अभी कोर्ट में चल रहा है, इस महीने में हो जाएगा होगा अगले महीने में होगा जरूर होगा। चाहूँ तुम्हें जो है चाहूँ मेरे को ये लग रहा है कि जो पल की बात है ये फैसला होगा सको होना चाहिए आटी तुम्हें दिया होना चाहिए होना चाहिए कि होना नहीं चाहिए आटी इसका तो जी हमारे पास मालूम नहीं है भगवान का हाथ में बात है। और हर्ष कहना का हर्ष का कैसा काम राम मंत्री का? हर्ष का काम ऐसा है कि जितना वादा करेगा काम इतने करेगा, इतने बिना फीस का दो खानदानी कोई चाहिए पर्सन का तो मैं सपोर्ट में कर रहा हूँ हम देख लें इसको तो काम में करता नहीं लूट जाए अरे आ तेरा काम में करो काम को उसका करो जाना मारो को बेच जाने पम तेरा है तेज करना नाम रोग भी पर चाहे खूब और सर भी जाने मोटा आता पम तेरा मेरे पोते खास हमें की खानदानी में मार्जरी से हमारे कुड़ गए उम्मीद है। तो शिलाई पहुंचे और यहाँ पर एक जगह हमें कुछ लोग दिखे तो हमें लगा कि इनसे भी बातचीत की जाए चुनाव को लेकर, और भी कुछ लोगों से कोशिश करेंगे, समय ज़्यादा हो गया है और लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी। तो हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर है, क्या नाम है सर? विक्रम नेगी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं शिलाई गाँव से बिलोंग करता हूँ। ओके, तो चुनावी माहौल है हमने जैसा अभी कहा, क्या अहम मुद्दे हैं यहाँ पर अभी जो लोग जिन्हें सोच कर वोट करेंगे या आप लोगों ने जो अभी तक देखा? यहाँ पे शिमला संसदीय क्षेत्र में विकास के नाम पे वोट किया जाएगा और खास करके तोमर जी के विकास द्वारा जितना उन्होंने शिलाई विधानसभा क्षेत्र में विकास किया है उसके आधार पे लोग यहाँ पे वोट करेंगे। देखिए शुरू से जो हाटी का जो मुद्दा है, इससे पहले से जब से बीजेपी की जितने भी लीडरशिप रहे उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है, कांग्रेस का इसमें कुछ भी हाथ नहीं है क्योंकि काफ़ी समय से सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, उस समय यहाँ से हर्षवर्धन चौहान जी के पिताजी गुमान सिंह ठाकुर जी यहाँ से मंत्री भी रहे हैं, उस समय ये मुद्दा आसान था करने में भी, पर उनकी कोई इच्छा शक्ति नहीं थी इसे करने में। तो इसका जितना भी क्रेडिट जाता है मोदी सरकार को जाता है, यहाँ से स्थानीय विधायक तोमर जी को जाता है। कोई पद है आपके पास बीजेपी का या जो है? नहीं, आम नागरिक समझ के नहीं, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का प्रशंसक भी हूँ और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता भी हूँ और मैं चाहूंगा कि पूरा शिलाई क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बने इतने विकास करके। ठीक है, कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। आप बताइए सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र ठाकुर है। आप भी शिलाई के? नहीं, मैं भटनौल से हूँ। भटनौल कितना दूर हुआ है? यहाँ से 5 किलोमीटर दूर। तो केडी सुल्तानपुरी के सुपुत्र है कांग्रेस की तरफ से, अगर देखें आपके पास पहले आप ही बता दीजिए, कोई पद है बीजेपी का या नहीं? कोई पद नहीं, मैं एक आम आदमी, आम नागरिक के हिसाब से हम देखें। तो इसके अलावा जो आरटी का मुद्दा है उसी पे हम बात करेंगे कि जैसे अभी कहा जा रहा है कि जो एससी के लोग हैं वो बिल्कुल नाराज चल रहे हैं सुरेश कश्यप से, कुछ ऐसा आपने देखा? ऐसा कोई इशू नहीं है, ये इशू सिर्फ कांग्रेस बनाना चाह रही है। सुरेश कश्यप को आप इस बार भी समर्थन करते हैं? सर मेरे गांव से, पिछले बारी जब तोमर साहब इलेक्शन में थे तो मेरे एक बूथ से 200 की लीड आई थी। अच्छा। मैं उम्मीद करता हूँ कि 250 पे पहुंचूंगा इस बार भी। तो सतोन से लगातार चलते हुए लोगों से बातचीत करते हुए अब हम शिलाई पहुंचे, कई लोगों से अभी पीछे बातचीत की, हमने कहा कि आगे चलते हैं बाजार मार्केट देखते हैं और वहां पर कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। एक सर यहां पर मिले, इनसे हमने परमिशन ली कि चुनाव को लेकर कुछ बातचीत करें आपसे, तो इनसे भी समझेंगे क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है एज ए नागरिक हमारा कि हम
जो है क्या काम हुए हैं वो बताएं, क्या नहीं हुआ वो बताएं। क्या नाम है सर आपका? कंवर सिंह ठाकुर जी। कंवर सिंह ठाकुर जी, तो जो है अच्छी दुकान है यहाँ पर, वो भी मैं देख पा रहा हूँ। बाकी जैसे शहरों में पाउंटा में होती है बिक्री, उस हिसाब से होती है? नहीं नहीं, उतना नहीं है, गाँव का मार्केट है। अच्छा। कम इतना नहीं, लेकिन फिर भी हमने देखा अब की बहुत बदल गया है। हाँ, थोड़ा रोड के वजह से थोड़ा बड़ा। और जब सिलाई की हम बात करते हैं, या पूरा हिमाचल जब सिलाई के बारे में सुनता है, तो सबसे पहले हाटी का जो है नाम आता है, क्योंकि सिलाई का पूरे विधानसभा हाटी में है, और यहाँ के रीति रिवाज कई चीजें अभी भी जो है। तो हाटी का मुद्दा इस बार कुछ लगता है कि उछल रहा है, जैसे विधानसभा में उछला था, इस बार कुछ शांत लग रहा है? इस बार तो शांत है जीवन से, लेकिन हम तो हाटी को चाहते हैं कि हाटी हो जाए, बढ़िया हो जाए। इसलिए हम तो बीजेपी सरकार का बड़ा वो धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने कर दिया था, फिर थोड़ी सी हिमाचल सरकार ने इसको लटका दिया है। हर्षवर्धन तो मंच से यहाँ सिलाई भी आए थे, कह रहे हैं कि हम केस लड़ेंगे, जितने पैसे चाहिए इकट्ठे ना करें, समिति को कह रहे हैं हम देंगे। वो पैसे इकट्ठे करवा रहे हैं, किसको दे रहे हो तो पता है, आप झूठे जुमले एक बार 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 नहीं आएगी। इसलिए यहाँ हाटी का ही मुद्दा चलेगा और हाटी का ही काम होगा। यहाँ हम तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं बढ़िया करके। सुरेश कश्यप के कुछ और काम गिनवाने चाहें आपकी जो आप? देखो जी, उन्होंने बहुत अच्छे काम हाटी के, इसमें उन्होंने देखो जो दूसरा हुआ है मतलब तब का उसमें से वो, लेकिन उन्होंने हाटियों का पूरा समर्थन करा है और इस काम को कराया भी है, साथ दिया है हाटी की समिति का जैसे भी है, तो हो चुका है काम, तो ये हो चुका है, पर थोड़ा सरकार ने लटका रखा है। आप तो बीजेपी समर्थक लग रहे हैं, तो बीजेपी पहले से बीजेपी जुड़े हुए हैं कि कभी ऐसे? नहीं, हम तो कई खानदानी बीजेपी, बाकी सरकार का तो यहाँ पता ही लग रहा है कि सरकार बनी है। जब बीजेपी सरकार तो यहाँ रात दिन रोडों का काम था चला हुआ, और जब से सरकार नहीं बनी है तो हालात देख रहे हैं। नौ बजे तो कहीं देख, यहाँ परसों स्लाइडिंग हुई थी, तो 9 बजे स्टाफ आता है रोड में, लाइने गाड़ियों की। पंचायत कौन सी आप? मेरे पंचायत बांधली। अच्छा, बांधली। तो ये माहौल है जो है, सब लोगों की अपनी अपनी राय है।